नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं कैनोनिकल टैग में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैनोनिकल टैग बेसिकली बहुत से लोग यहां पर वेबसाइट के बनाते हैं, पर्टिकुलर पोस्ट और पेजेस का कोई कैनोनिकल टैग नहीं बना रहा, जिसके वजह से उनकी पोस्ट पेजेस पर डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ जाता है और इशू आने की वजह से उनका सीओ स्कोर डाउन होने लगता है, वेबसाइट गिरने लगती है। तो पर्टिकुलर पोस्ट और पेजेस का कैनोनिकल टैग कैसे बनाएंगे, कैसे हम सीओ को इम्प्रूव करेंगे, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर टाइप करते हो, जैसे कि यहाँ पर डाल देते हम कैनोनिकल टैग, जनरेट, तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल वेबसाइट का कैनोनिकल टैग बना लेते हैं, ब्लॉग का कैनोनिकल टैग बना लेते हैं। जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ URL HTTPS और सबमिट। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का कैनोनिकल टैग बन गया, सिंपल सी बात आप समझ गई होंगे। अगर आप पेजेस और पोस्ट का कैनोनिकल टैग कैसे बनाएंगे, है ना, तो बहुत से लोग गलतियाँ कर रहे हैं, वो केवल वेबसाइट का बनाते हैं, हेड टैग में लगा देते हैं और उनको लगता है कि पूरा कैनोनिकल टैग लगा चुका हूँ मैं, अब मुझे कैनोनिकल से फ्री हूँ, मेरे पास अब कोई इशू नहीं आएगा। दोस्तों ये आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट का कैनोनिकल टैग होता है, आपको पेस्ट और पेजेस का भी कैनोनिकल टैग बनाना है। तो पोस्ट हुआ एंड यहाँ पर पेजेस हुआ, उसका कैनोनिकल टैग आप यूज से बना सकती हो बड़े ही आसानी से। अगर आपका HTML की वेबसाइट है, यहाँ पर HTML पे या कुछ और प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। तो सिंपल सा यहाँ पर हम एक पोस्ट को लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक पोस्ट हमने लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम इस पोस्ट को देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि पर्टिकुलर हमने ये पोस्ट लिखी हुई है, ये पब्लिश कर दी। अब पब्लिश करने के बाद ही आपको URL मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा इसको कॉपी कर लेना है और यूज्ड प्लगइन आप यूज करते होंगे, सिंपल सा एडिट में जाना है। एंड जाने के बाद नीचे आना है, तो यूज्ड प्लगइन का एक फंक्शन होता है एडवांस, यहां पर लिखा है कैनोनिकल टैग। आपको जो आपने URL कॉपी किया है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो हमारा तो पहले से पेस्ट है। तो दोस्तों ये आपके पोस्ट का URL का कैनोनिकल टैग हो गया, ठीक है, ये आपके वेबसाइट का कैनोनिकल टैग हो गया। अब आपको पेजेस का बनाना है, तो पेजेस का भी आपको कैनोनिकल टैग बनाना होगा। तो यूज्ड प्लगइन आप यूज करते हो, है ना, तो आपको यहाँ पर जैसे कि अबाउट का आपको कैनोनिकल टैग बनाना है, तो यहाँ पर सिंपल सा आप इसको व्यू पर क्लिक करेंगे और अबाउट का जो URL आएगा ये आपको इसको कॉपी कर लेना है, है ना। एंड कॉपी करने के बाद फिर से आप एडिट में जाएंगे, एडिट में नीचे आएंगे, एडिट में नीचे आने के बाद आपको मिलेगा एडवांस, तो आपको यहाँ पर अपना अबाउट का कैनोनिकल टैग को पेस्ट कर देना है URL को, जैसा कि हमने इस URL को कॉपी किया है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो ये आपके पेजेस का कैनोनिकल हो गया, है ना, तो जितने मैंने पेजेस बनाए हुए हैं वो सभी का कैनोनिकल इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो पेजेस, एक सेकेंड हम आपको पेजेस दिखा देते हैं और ऑल पे जाते हैं, ऑल पेजेस में। तो हमने पर्टिकुलर क्या किया है, पर्टिकुलर हमने सारे पेजेस को खोला है और सबकी URL को कॉपी करके कैनोनिकल टैग में पेस्ट किया है, कैनोनिकल टैग कॉपी करके उसमें पेस्ट किया है, पेस्ट हमने आपको मिल जाएगी एडवांस में यहाँ पर, ठीक। तो पेस्ट सॉरी पेजेस और पोस्ट का आपको हो गया है, तो जितनी आपने अभी तक पोस्ट लिखी है उसका कैनोनिकल फटाफट से आप बना लीजिए, एक एक पोस्ट को आप ओपन कर करके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक गलती और करते हो आप लोग,
यहाँ पर कैटेगरी का कैनोनिकल टैग नहीं बनाते, जिससे डुप्लीकेट कैटेगरी आ जाती है और ये एसयू के लिए बहुत बड़ी इशू है। एसयू आपका इम्प्रूव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे यहाँ से गलती करते। अब मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सा हम सभी को उठाते हैं अभी के लिए, यहाँ पर इसको भी उठा देते हैं ठीक। तो आपको कैटेगरी के अंदर जाना है एंड यहाँ पर देखिए कैटेगरी बनी है बेसिक कंप्यूटर, तो आपको व्यू पे जाना है, जैसे कि आपको कैटेगरी ओपन कर लेना है। और कैटेगरी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से ये बेसिक कंप्यूटर है, यहाँ पर एडिट है, एडिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एडिट है सेक्शन, हमने इस यूआरएल को कॉपी किया है, बेसिक कंप्यूटर हिंदी की कैटेगरी को यूआरएल कॉपी किया है एंड कैटेगरी में आते हैं बेसिक कंप्यूटर वाली में और नीचे आते हैं और यहाँ पर एडवांस है। तो यहाँ पर आपकी कैनोनिकल यूआरएल यहाँ से पेस्ट कर देना है जो कि हमने ये कॉपी किया है ठीक। तो आपके यहाँ पर आपके ऑल पोस्ट, दूसरी बात पेजेस और कैटेगरी, ये तीनों की आपको जितनी भी कैनोनिकल आपको बनानी होंगे ठीक है। बस आपको ये यूज्ड प्लगइन यूज करना है और इस तरह से कॉपी पेस्ट करना है। अब आपको दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपकी जो डुप्लीकेट इशू हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे और कैनोनिकल टैग की वजह से आपको जो सीओ स्कोर है वो काफ़ी अच्छा लेवल हो जाता है। देखिए हमने एचआरएफ का ये कभी ये काम करके हमने काफ़ी मेहनत की उस पर एचआरएफ पे हमने क्रॉल किया अपनी वेबसाइट को, सॉरी ब्लॉग को, तो हमारा जो स्कोर है बिल्कुल 99% हो चुका है ना। देखिए बेसिक कंप्यूटर है ना, तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑल पोस्ट में जितनी पोस्ट डली हैं आप उन सभी पोस्टों का कैनोनिकल टैग बनाना है आपको, जितनी आपने पब्लिश की है बस यूआरएल आपको इस तरह डालना है जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक है। आप एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। पहली बात तो ये समझ आ गई, दूसरी बात आपको यहाँ पर कैटेगरी का कैनोनिकल टैग बनाना है ठीक है। तो आपकी जितनी कैटेगरी डली है तो डुप्लीकेट की जो भी इशू आता है वो नहीं आएगा कैनोनिकल टैग की वजह से। फिर आपको यहाँ पर पेजेस के कैनोनिकल टैग बनाना है, तो पेजेस आपके जो भी हैं अबाउट एस एंड टर्म्स एंड कंडीशन इनकी भी कैनोनिकल टैग बनाना है। कैनोनिकल टैग बेसिकली आपका यूआरएल होता है मेन आपके कंटेंट का ठीक है। तो गूगल उसको ही मान के चलता है, जैसे कि आप देखते हो HTTP WWW इस तरह के चार यूआरएल हो जाते हैं, चार से पाँच छः भी यूआरएल हो जाते हैं, तो गूगल नहीं समझ पाता कि यूआरएल कौन सा है। तो हमें एक यूआरएल उसको प्रोवाइड कराना होता है कि ये हमारा मेन यूआरएल है, आप इसको लेके चलें ठीक है। तो इन यूआरएल की वजह से ही डुप्लीकेट कंटेंट इशू बहुत आता है, एसईओ का जो भी स्कोर है वो डाउन होने लगता है और हमें एक्चुअल स्कोर नहीं मिल पाता, हमारी वेबसाइट बहुत डाउन हो जाती है। तो जो गलतियाँ की हैं पिछली बार आपने जो भी गलती हो चुकी हैं तो आप इसको सही कीजिए। तो कि दोस्तों मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं थी, मैं भी काफ़ी 3 साल से वर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम अभी फेस हुई है, तभी मैंने इस पर काम किया और मैंने इसी बात पे आपको मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ ठीक है। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछिए और आपका जैसे आप करेंगे तो इस तरह के जो स्कोर है आपको अच्छा मिलेगा और आपका सीओ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।